أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلمنا في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محترم سورہ برات کی تفسیر کرتے ہوئے آج حلف وعدہ ایک ایسی منزل پر ہم پہنچ رہے ہیں کہ جس کے لیے میں نے اپنی پرسوں کی تقریر میں اعلان کیا تھا کہ بعض اہم مسائل پر گفتگو ہوگی اور قرآن مجید کی ایک ایسی آیہ وافی ہدایہ سے آج ہم متعلق ہیں کہ جس پر گفتگو اس قدر تفصیل سے ہوئی ہے, اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, اتنے مناظرے ہوئے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں
कोई किसी किस्म की बादी नज़र में किसी को गुंजाइश मिले। आपने भी बोलने वालों को सुना होगा, लिखने वालों की तहरीरों को देखा होगा, और आज तकरीबन जबकि माह मुबारक रमज़ान की तफसीर की तकरीरों में आप एक अहम तकरीर सुन रहे हैं, आपको शायद ये सोचने का मौका मिले कि क्या कहा गया और किन उमूर की तरफ आपको मुतवज्जह किया गया। मैंने जैसा कि अर्ज किया था कि इस सूरत की 129 आयतें और हमारे सामने गोया इतना वक्त नहीं है कि सूरे को मुकम्मल कर सकें, फिर भी कोशिश यह है कि जिस तरह से कि कल कुछ आयतों की तिलावत की गई थी, इसी तरह तर्जमे के साथ कुछ आयतों की तिलावत की जाए ताकि एक तरफ सिलसिला न टूटे, दूसरी तरफ मफहूम और ज्यादा वाज़े हो और आप ये जान सकें कि सही माना में पैगाम क्या है और क्या कहा जा रहा है। कल इस आयत पर गुफ्तगू थी, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह वलौ करहल मुशरिकू। वो खुदा जिसने अपने रसूल को हिदायतों के साथ नाजिल किया और दीन हक के साथ भेजा ताकि अदियान आलम पर गलबा पाए अगरचे मुशरिक कराहत करें। साहिबान ईमान, बहुत से हिब्र और बहुत से राहिब गुमराह करके लोगों को उनका माल खा लेते हैं और अल्लाह की राह से उनके तवज्जोहात को हटा देते हैं, और वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं, उसके अंबार लगाते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको अजाब अलीम की बशारत दो। यौमा युहमा अलैहा फी नार जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूकू मा कुंतुम तकनज़ून। यह वो दिन होगा जब उनकी पेशानियों पर, उनके पहलुओं पर, उनके पुष्ट पर दाग दिए जाएंगे यह कहकर कि तुमने इसी दिन के लिए यह जमा किया था तो उसका सिला यह दाग है। इन इद्दत शहूर इंदल्लाह इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक अस्समावाति वल अर्ध मिन्हा अरबातुन हुरुम ज़ालिकद दीनुल क़य्यिम। अल्लाह के पास महीनों की गिनती या चांद की गिनती 12 की है,
जिस दिन के जमीन व आसमान को खल्क किया था उसमें चार हुरमत वाले महीने हैं, यही दीन कय्यम है, फला तज़लमु, जुल्म न करो। ये चार महीने एक रजब और उसके बाद ज़िकात, ज़िलहिज, मुहर्रम, ये अशहरे हुरम है। फला तज़लमु फीहिन अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन, इनमें जुल्म न करो अपने ऊपर, और हाँ मुशरिकीन से लड़ो बहर हाल, कमा युकातिलूनकुम काफ़ा, जिस तरह से वो तुमसे खुल कर लड़ रहे हैं। वालमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और ये जान लो कि अल्लाह साहिबाने तक्वा के साथ है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र युज़ल्लु बिहिल लज़ीन कफरू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन लियुवातिउ इद्दत मा हर्रमल्लाह व युहिल्लू मा हर्रमल्लाह ज़ुय्यन लहुम सुउ आमालिहिम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। नसी कुफ्र है। नसी के माना ये थे कि जब लोग लड़ना शुरू करते और रजब का महीना आ जाता तो ये कह के लड़ाई को जारी रखते कि नहीं, अब रजब शाबान के बाद आएगा, या लड़ना शुरू करते और मुहर्रम आ जाए तो कहते नहीं ये मुहर्रम नहीं आया है, अब के मुहर्रम सफ़र के बाद आएगा। इसको कुरान मजीद ने कहा नसी, यानी महीनों को टालना, इरशाद फरमाया ये कुफ्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मालकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह अस्साक़लतुम इलल अर्ध अरज़ीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आख़िरा। ऐ साहिबान ईमान, क्या हो गया तुमको जब तुमसे कहा जाता है कि घर छोड़ो, वतन छोड़ो, निकलो घरों से अपने, तो तुम टाल देते हो? क्या तुम हयात दुनिया पर आखिरत के बदले राजी हो गए? इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल क़ौमन गैरकुम व ला तज़ुर्रुहु शैया वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। और अगर तुम न निकलोगे और घरों को न छोड़ोगे तो खुदावंद आलम तुम पर अज़ाब नाजिल करेगा और तुम्हारे बदले एक और कौम लाएगा और कोई उसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। ये दरमियानी आयतें थीं जिनका तर्जमा मैंने पढ़ के सुना दिया। जिस आयत पे गुफ्तगू है वो ये है, इल्ला तंसुरूहु फ़कद नसरहुल्लाह, अगर तुमने उसकी मदद नहीं की तो अल्लाह ने उसकी मदद की। इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू, जबकि उसको निकाला कुफ़ार ने अपने घरों से, सानी इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार, दो में का एक वो जबकि गार में था, इज़ यकूलू लिसाहिबिही, जबकि वो अपने साथी से कह रहा था, ला तहज़न इन्नल्लाहा माना, डरो नहीं अल्लाह हमारे साथ है। फअंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, अल्लाह ने उस पर सुकून को नाजिल किया और उसकी ताईद की उस लश्कर के साथ के जिस लश्कर को कोई देख नहीं सकता। वो जाला कलिमत अल्लज़ीन कफरु सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और कुफ्फार का कलिमा पस्त हो गया, ईमान वालों का कलिमा और अल्लाह का कलिमा बुलंद करार पाया। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, खुदा गालिब भी है हकीम भी। ये वो आयत है कि जिस पर गुफ्तगू का मैंने वादा किया था, और जाहिर है कि मेरा मजमा, सुनने वाला मजमा, हमेशा से समझदार इंसानों पर मुश्तमिल होता है। वो खूब समझते हैं और उनको मालूम है कि जब मसाइल पे गुफ्तगू होती है तो कितने इन्हमाक से उसको सुना जाता है। यह वो आयत है कि जिस पर सदियों से बहस हो रही है, और इस आए शरीफा पर मबाहिस इतने हो चुके, इतने मुनाजरे हुए कि खुद उन मुनाजरों पर एक किताब लिखी जा सकती है कि कहाँ कहाँ किन किन मकामात पर ये मबाहिस हुए। ये वो आयत है कि जहाँ रसूल घर से चले, और जाहिर है कि हम अपने तकरीरों में आपने देखा होगा कभी हमने सूए अदबी से काम नहीं लिया, हम हमेशा एहतराम करते हैं सहाबा का, और जाहिर है कि अगर कोई ऐसी आयत आ जाए जो उनकी फजीलत में हो तो कब इनकार है। तो
ऐसी मंजिल पर यह कहा जाता है कि यह आए वापी हिदाया खास तौर पर फजीलत को जाहिर करती है हजरत अबू बकर के, इसलिए कि वो साथ हो गए और रसूल के साथ उन्होंने अपने आप को गार तक पहुंचाया। और यह वो मंजिल है कि जहां हम आपकी तवज्जो चाहते हैं। इस कजिए को समझने के लिए अब मेरे साथ साथ पहले तारीख को सुनिए, मगर कबल इसके कि आप तारीख को सुने एक बात और याद रखें कि मक्की जिंदगी में तशरी हो चुकी थी, यानी शरीयत के अहकाम आ चुके थे, नमाज पढ़ो, जकात दो, मुहर्रमात से बचो, शराब न पियो, गीबत न करो, गैर का माल न खाओ, यतीमों के माल से बचो, अमीन बनो, कबायर ये हैं इनसे बचो, गुनाहान कबीरा ये हैं इनसे बचो, ये सब अहकाम आ चुके थे। और जो रसूल को मानने वाले थे उन सबों ने उन अहकाम पर अमल करना शुरू कर दिया था दर पर्दा। तो दौरे तशरी तो मक्के ही से शुरू हो गया था, यहां तक कि नमाज जुमा का भी हुक्म मक्के ही में आया, मगर रसूल ने मदीने से असद इब्ने जुरारा को बुलाकर कहा कि मैं मक्के में नमाज जुमा शुरू नहीं करूंगा, इसलिए कि बगैर जमात के ये नमाज नहीं होती, तुम मदीने में शुरू कर दो। तो रसूल से पहले मदीना पहुंचने से पहले असद इब्ने जुरारा ने मदीने में नमाज जुमा शुरू कर दी। और जाहिर है जब नमाज पढ़ाना शुरू किया होगा नमाज जुमा तो जमात होगी। अब जमात किन अफराद पर मुश्तमिल थी मैं उनके नाम गिन रहा हूं, ये तारीख का अहम तरीन तहकीकी पहलू है। जमात शुरू हो चुकी थी, नमाज जुमा पढ़ाई जा रही थी मदीने में, असद इब्ने जुरारा हुक्म पैगंबर से इमाम जुमा मुकर्रर हो गए थे, खुतबे की इजाजत मासूम ने दी थी। नारे और ऐसे मौके पर हुआ ये था कि कुछ लोग मक्के से हबशा जा चुके थे, कुछ लोग मक्के से हबशा जा चुके थे, हबश में थे, उन लोगों को हुक्म दिया गया कि अब वापस आओ, तो मक्का ना आओ, सीधे मदीने आ जाओ। तो उसमें कुछ वो हजरात थे कुछ जो हबशे से वापस हुए थे, मगर यहां से मक्के से लोगों ने जाना शुरू कर दिया था, ये देख करके जमीन तंग हो रही है, हालात बदल रहे हैं, कुफार जुल्म और ज्यादती पर तुले हुए हैं, किसी दिन भी हमला कर देंगे और जाने मुफ्त में जाया हो जाएंगी, इसलिए लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे थे। तो जाने वालों की फेहरिस्त ये है, हजरत जुबैर इब्ने अवाम मक्के से चले गए, हजरत तलहा इब्ने उबैदिल्लाह ये भी मक्के से चले गए, तलहा और जुबैर दोनों गए, अबू हुजैफा ये भी मक्के से चले गए, सालिम अबू हुजैफा का गुलाम ये भी मक्के से चले गया, और उसके बाद साद इब्ने अबी वक्कास
ये भी मक्के से चले गए। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो ये भी मक्के से चले गए। ज़ैद इब्ने खत्ताब हजरत उमर के छोटे भाई ये भी मक्के से चले गए। हजरत उस्मान इब्ने अफ़ान रजी अल्लाह अन्हो ये भी मक्के से चले गए। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ ये भी मक्के से चले गए। यानी अब आलम ये था कि जितने मानने वाले थे सब जा चुके थे, और बार बार हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ये कहते थे अल्लाह के रसूल मैं भी चले जाऊं, मैं भी चले जाऊं। तो आपने ये इरशाद फरमाया था कि मैं तुमको करीब में इत्तला दूंगा और उसके बाद तुमको पता चलेगा। चुनाचे जाहिर है कि जब जाने की तैयारियां शुरू हुई थी तो अब आप ये पहली मंजिल ये कि एकाएक रवानगी नहीं हुई। तारीख को समझने की कोशिश कीजिए, एकाएक रवानगी नहीं हुई बल्कि सिलसिला छिड़ गया था जाने वालों का, साथ के साथ ही सब जा चुके थे, साथ के साथ ही सब जा चुके थे, इसलिए अकेले कैसे रहते। तो उन्होंने भी अपने नाकों पर सामान को बार कर लिया था, दो नाके तैयार कर लिए थे। और यही वो जमाना था जहां उनकी साहबजादी हजरत आयशा का निकाह जनाब रिसालत माँ से हो चुका था, निकाह हो चुका था, रुखसती नहीं हुई थी, रुखसती मदीने में जाने के बाद होने वाली थी। ऐसे मौके पर इस यकीन के साथ कि अल्लाह का रसूल अभी मौजूद है, ये बार बार कहते थे, अगर हुक्म हो तो मैं चले जाऊं। आपने कहा कि नहीं, मैं खुद इत्तला दूंगा। और ये मुसलसल लोगों का जाना अबू तालिब की मौत के बाद से शुरू हुआ था। रमजान में खतीजा का इंतकाल हुआ, 3 दिन के बाद अबू तालिब का इंतकाल हुआ, और आवाज आई कि अल्लाह के रसूल हिजरत के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा हामी और मुहाफिज मर गया। लोग जोग जोग जाने लगे। तो रमजान, शव्वाल, ज़ीक़ाद, ज़िलहिज, मुसलसल लोगों ने खाली कर दिया मक्का। और ऐसा नहीं कि कुफार नहीं देख रहे थे, कुफार एक एक के घर को खाली देख रहे थे और सब अपने असासुल बैत के साथ मुंतकिल हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे में एक रात आई, अब यहां से बुखारी शरीफ में एक रात आई, पैगंबर आए घर पे और कहा कि चलो अब चलो, अब जिसके लिए तुमको वक्त था वो अब चलो। अल्लाह के रसूल नाके तैयार हैं, सामान बंधा हुआ है, आप एक नाका ले लें। इरशाद फरमाया, बुखारी का लफ्ज है बेसामानिन, मैं तो रुपये दूंगा, मैं बगैर पैसों के नहीं लूंगा। तय पाया कि 800 दिरहम पर नाका खरीदा जाए, और उस नाके का नाम रसूल ने नाके कसवा रखा, और जो रसूल की वफात के बाद मर गया ये नाके कसवा साथ था। आप चले और जाहिर है कि 3 मील दूर ये गारे सौर था, उस गार में आपने पनाह ली। बुखारी ने जहां हिजरत का सिलसिला शुरू किया वहां यह भी बतलाया कि सिफात में इस बुजुर्ग के खुसूसियत से यह बात पाई गई है कि हर बात पर रो देते थे। काना रजुलिन बक्का, बहुत रोने वाले थे, कुरान पढ़ते थे तो इतना रोते थे कि लोग हैरान हो जाते थे, यहां तक कि असहाब ने शिकायत की और कहा कि इस कदर रोते हैं। तो यह हिजरत के सिलसिले में इस जुमले को लिखा ताकि अगर किसी मकाम पर यह ऐसा तसव्वुर पैदा हो जाए तो ला तहजन के लिए एक मानी, एक सूरत पैदा हो जाए और यह समझा जाए कि सही माना में इसलिए रोका जा रहा है कि हुज़्न न करे। आपने देखा, तारीख आपने सुन ली, यानी सब जा चुके थे और ये आखिरी सवारियां निकली। तकरीर का आगाज यहां से होता है, तकरीर का आगाज अब यहां से होता है कि मक्के में नाजिल होने वाली सूरतें 85 हैं, मदीने में नाजिल होने वाली सूरतें 29 हैं, 85 और 29 114। आखिर
पहली सूरत जो मक्के में नाजिल हुई सूरह रूम है, पहली सूरत जो मदीने में नाजिल हुई सूरह बकरा है। मदनी सूरा पहला सूरह बकरा है और सूरह इतवाल है 29 सूरे। सबसे आखिर में जो सूरा आया सूरह बरात है 113वां सूरा, जिसके बाद एक छोटा सा सूरा है और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा नहीं यही आखिरी सूरा है। तो अब सूरत हाल तो ये थी कि हिजरत के साथ सूरह बकरा है, तो इस आयत को तो सूरह बकरा में रहना चाहिए था, इस आयत को सूरह बरात में। इब्ने अब्बास कहते हैं कि पैगंबर का हाल यह था कि जब आयत आती आप फरमाते फुला सूरह में डाल दो, फुला सूरह में डाल दो, फुला सूरह में डाल दो। तो इस आयत को सूरह बरात में रखना यानी उसके अव्वल को पढ़वा कर आखिर को समझाना है। मेरी बात यानी ताकि बरात इस्तेहलाल पेश नजर रहे। ये अजीब सनत है जाके मतले ही से मालूम हो जाए कि क्या कहा जा रहा है। तो सूरह बरात में इस आयत का नजर आना और कामिल 9 साल गुजरने के बाद इसकी क्या वजह है, और फिर सूरह बकरा हिजरत के बाद ही नाजिल हुआ, उसमें हिजरत की आयत रखी हुई وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْقِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ। इंसानों में वो कौन है जो अपने नफ्स को बेच के मर्जी रब को खरीद ले, अल्लाह मेहरबान है बंदों पर। इन तमाम उमूर पे चूंकि हम अपनी फिक्र को बुलंद कर रहे हैं और एक इल्मी बहस छिड़ी हुई है जो बिल्कुल कतई तौर पर सारे मबाहिस और सारे मुनाजरों से अलग है, बिल्कुल एक नई राह है जो इस वक्त आपको दरपेश है। आयत को सूरह बकरा में रहना चाहिए था हिजरत के बाद ही, सूरह बरात तक रोका ताकि यह मालूम हो कि बरात की पहली आयतों में जिस बरात इस्तेहलाल से काम लिया गया उससे वाजे हो जाए कि इस आयत को वहां क्यों रखा गया। मैं इस गुफ्तगू को इस मकाम पर रोक रहा हूं फकत इसलिए कि यह मालूम हो के कतनी मर्तबत ने हर एक का हक अदा किया, किसी को यह ख्याल न रहे कि एक आयत आई थी रुकी हुई पड़ी रही और उसको किसी सूरे में नहीं रखा, शायद बाद में शिकायत हो जाती तो आपने कहा नहीं उसको सूरह बरात में रखा। इस आयत को सूरह बरात में रखा, आयत सूरह बरात में नाजिल नहीं हुई। आयत तो उस आयत को तो हिजरत के साथ नाजिल होना है, या कोई वाकया बयान हो रहा है 9 बरस के बाद। तो और भी वाकयात थे जो 9 बरस के बाद बयान किए जाते, यहां तो जंगे अहजाब हो रही है आयतें आ रही हैं, खैबर की लड़ाई हो रही है आयतें आ रही हैं, बद्र की लड़ाई हो रही है आयतें आ रही हैं, और बराबर बराबर जैसे जैसे आयत आ रही है वैसे रसूल तफसील करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इन मौके। अब जो इल्मी बहस है जिस बहस पे बे इंतहा आपको गौर करना है वो ये कि मक्का खाली हो चुका था, अब इतने असहाब के चले जाने के बाद जो दिन रात के उठने बैठने वाले थे किसी का बेचैन न होना, खुद ताज्जुब खेज है जब हम भी जाएं, मगर मसलहत यह बतला रही थी कि अगर इस वक्त
अगर इस वक्त हम अपने साथ ही ले चलें तो शायद उस तवील दौर में जो मदीने में शुरू होने वाला है, उन कबाइल के साथ जिन कबाइल के ये हलीफ हैं, ये अदी हैं, वो तीम हैं, जिनकी बेटियों से शादियां की हैं इसीलिए कि उस हलफ की वजह से वो काम आ जाए, तो मसलहत ये थी कि साथ रखें। तो अब जाहिर है कि रसूलुल्लाह की मसलहतों को वो क्या जाने जो वही से ना आशना हो, मगर समझने की जरा सी कोशिश कीजिए। वो एक अब रसूल निकले और रह कौन गया, रहा कौन मदीने में, रहा कौन रसूल के बच्चे, रसूल का भाई, रसूल के बच्चे, रसूल का भाई, यानी रसूल की बेटी, रसूल का भाई और कुछ और थे। तो नवा खत है अमीरुल मोमिनीन का, अमीर शाम के नाम नहजुल बलागा में है, मकातीब में। उसमें आप तहरीर फरमाते हैं कि वो कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इज़ा अहमरल बास वो अहजमन नास। रसूलुल्लाह की आदत ये थी कि जब जंग बड़ी हौलनाकियों पे आ जाती और लोग हर तरफ से लड़ने के लिए घिर कर जमा हो जाते, कदम अहले बैत, तो सबसे पहले अहले बैत को मैदान जंग में ढकेल देते कि तुम लड़ो। वो वकाब हिम असहाबहू और अपने असहाब को बचाते, ये आदत थी। जंग में असहाब को बचाने के लिए بالسيوف والسنان نیزوں سے اور تلواروں سے بچانے کے لیے، من السيوف والسنان تلواروں سے اور نیزوں سے بچانے کے لیے ہم کو پہلے ڈھکیل دیتے، اپنے اصحاب کو بچا لیتے۔ یہ نہج البلاغہ میں خط ہے اور امیر شام کے نام۔ رسول کی عادت یہ تھی، وہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا احمر البعث واحجم الناس قدم اہل بیتہ وبقا بہم اصحابہ اور اپنے اصحاب کو بچا لیتے۔ بدر میں آگے ڈھکیلا، احد میں آگے بھیجا، خیبر میں آگے بھیجا، خندق میں آگے بھیجا، حنین میں آگے بھیجا، ہجرت میں سب سے پیچھے رکھا۔ समझ रहे, हर जंग में आगे रहने वाला हिजरत में सबसे पीछे, कि कल के दिन तारीख लिखने वाला ये ना लिखे कि बच्चों को बचा ले गए, साथी को छोड़ दिया। کو چھوڑا اس کی تاریخ، اس کی تاریخ یہ کہ اس وقت 19 سال ہے، 19 سال ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ وہاں تو یہ کہنے والا موجود ہے کہ گھبرانا نہیں، اتنی بڑی ذمہ داری ہے اس تنہا انسان پر، اس تنہا انسان پر۔ بدر میں رسول ساتھ ہیں، احد میں رسول ساتھ ہیں، خیبر میں رسول ساتھ ہیں، خندق میں رسول ساتھ ہیں، حنین میں رسول ساتھ، ہجرت میں کہہ کے چلے گئے۔
کہ گھر تمہارے حوالے, گھر تمہارے حوالے اور یہ میرے پاس, میں امین ہوں. یہ اہل مکہ کی امانتیں ہیں, یہ تم واپس کر دیں. یہ چادر ہری سبز چادر, یہ اوڑھ لینا, یہ اوڑھ لینا. تو اب یہ بھی نہیں پوچھتے, یہ بھی نہیں پوچھتے کہاں کا ارادہ ہے, یہ بھی نہیں پوچھتے کون جا رہا ہے, یہ بھی نہیں پوچھتے کہ مصلحت کیا ہے, یہ بھی نہیں پوچھتے آخر مجھے کب بلائیں گے, یہ بھی نہیں پوچھتے کہ میں اکیلا کیا کروں گا, یہ بھی نہیں کہتے کہ میری تنہائی پہ تو رحم کیجیے. تاریخ ہجرت 19واں سال. اس گھرانے کی عادت ہی ہے کہ اس سنوں سال میں جنگ کر کے بتلا دے. لیٹ گئے اور وہاں کا حال سنیے, وہاں کا حال یہ کہ تمام سنادید قریش ایک جگہ جمع ہوئے اور کہا کہ اب تو حد ہو گئی, اب تو ہمارے خداؤں کی توہین بھی ہو رہی ہے, ہماری عادتوں کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے, ہماری رسموں کو توڑا جا رہا ہے, ہمارے حلال کو حرام کرنے کی فکر کی جا رہی ہے, اور آدمی جوغ جوغ ادھر جا کے مل رہے ہیں اور ملتے نہیں ہیں, مکہ خالی ہو رہا ہے. تو اب کیا کریں, کیا کریں؟ ابو جہل نے کہا کہ قید کر کے کسی زندان میں ڈال دیں. لوگوں نے کہا کہ بنی ہاشم چھڑا لے جائیں گے. کسی اور نے کہا کہ قتل کر ڈالیں. کہ بنی ہاشم خون کا بدلہ لیتے ہوئے ہم کو اور ہمارے خلفاء کو سب کو قتل کر دیں گے. تو کسی معمر انسان نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ان کے خون کو بانٹ دو 40 آدمیوں پر, اور وہ 40 آدمیوں کو چن لو 40 قبائل سے, تاکہ جب قتل کر دیں تو ایک سے بدلہ لیا نہ جا سکے بلکہ تمام قبائل رہیں. یہ بات طے ہوئی, 40 افراد دلیر شجاع مسلح ہتھیاروں کے ساتھ اس بات کے لیے چن لیے گئے, اور طے پایا کہ نماز عشاء کے بعد رسول کے گھر کو گھیر لیں. یعنی اب کوئی تنہا یعنی نہتا نہیں آیا, صرف سخت کلامی کے لیے نہیں آیا, لڑائی کی پوری تیاری کے ساتھ آیا اور آ کے گھیر لیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا حملہ کر دیں. تو پھر اس نے کہا کہ اگر حملہ کرو گے تو اب بھی نہیں پہچانا جائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے, اس لیے روز روشن میں قتل کر, تاکہ دنیا جانے کے سبوں نے مل کے قتل کیا اور بنی ہاشم کچھ نہ کر سکے. تو ایسے میں کسی نے آواز دے دی, وہ تو چلے گئے, وہ تو چلے گئے. تو ابو جہل نے بے اختیار دروازے کے ایک حصے سے جھانکا اور پکار کے کہا نہیں سو رہے, نہیں سو رہے, سو رہے. اور ایسے میں اب آوازیں بلند ہونے لگی تاکہ وہ اٹھے اور باہر آئے. مگر جوانی کی نیند
एक ही रात तो जिंदगी में सोने को मिली थी। मसलहते हिफाजत पैगंबर ने मजबूर कर दिया था कि बिस्तर पर हरकत न करें, और उसके बाद थोड़ी देर में आपने अंगड़ाई ली और उधर सुपाए दे सहार ताले हुआ और आपने चादर को चेहरे से हटाया। अबू लहब की नजर पड़ी, कहा ये तो अली है, और ऐसे में वो 40 अफराद इंतहाई गुस्से में अली के अतराफ आ गए। अली के अतराफ आ गए। अब यहां से यह गुफ्तगु और के काबिल है, सबसे पहले अबू जहल ने गुफ्तगु की और कहा, क्या है नादान बच्चे, तुझे यह खबर नहीं कि तूने क्या किया? आज सारा अरब और सारे कबाइल मिलकर रसूल को कत्ल करने वाले, अब रसूल को नहीं तुमको कत्ल कर देंगे, तो आपकी तारीख गवाह है कि अली बिस्तर से जो उठे थे तो हाथ में तलवार न थी, निहत्ते थे। अबू जहल ने जैसे ही जुमला कहा तो कहा, अबू जहल अल्लाह ने मुझे वो अकल दी है, ये नासिख, अल्लाह ने मुझे वो अकल दी है कि अगर दुनिया के तमाम अहमकों को बाढ़ दूं तो सब के सब अकलमंद हो जाए। दुनिया के बेविकारों को बाढ़ दूं तो सारी दुनिया बाविकार हो जाए, और वो शुजाअत अता की है कि अगर दुनिया के बुजदिलों में तकसीम कर दूं तो सब के सब भाग। अबू जहल ने कहा, तू मुझे डराता है अबू तालिब के बेटे? तो अली ने जवाब दिया, डराने की बात नहीं, हौसले निकाल ले। हौसले निकाल ले। अबू जहल को ढकेल के अबुल बख्तरी आगे बढ़ा, पूरी तलवार अली पे खींची। तारीख के अल्फाज ये हैं कि अली के हाथ में कोई चीज नहीं थी, सिर्फ बाएं हाथ से यह कह के तमाचा मारा कि अभी तूने अली की ताकत नहीं देगी। अबुल बख्तरी 3 साल तक बेहोश रहा। इसको मौजिजा ना समझना, इसको मौजिजा ना समझना, डरना नहीं, घबराना नहीं, अबुल बख्तरी कोई ऐसी बात नहीं है, खायफ नहीं होना। वो ये समझ रहा था कि सर तमाचा इस गजब का है, और फिर हाथ सीधा नहीं था, घबराया, और जैसे अबुल बख्तरी गिरा, 40 पहलवान जो जमा हुए थे कत्ल करने के, वो ये कह के चले, खैर अली तुमसे काम नहीं है, गुस्से में आने की बात नहीं है।
निकले कि हम ढूंढ लेंगे, वे निकले कि हम ढूंढ लेंगे अल्लाह के रसूल को, ढूंढ लेंगे। अली ने कहा रोका किसने, जाओ जाओ अगर वो मिल जाए तो ढूंढ लेना। अब आपने देखा अली के सुकून का आलम यह है, बहुत गौर से सुन लो तो इस जुमले को, एक तो अपने लिए मुतमईन है कि कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, दूसरे रसूल के लिए मुतमईन है कि कोई उनको हाथ नहीं लगा। आपके उलमा ने लिखा कि मलक में गुफ्तगु हुई, मलाइका में गुफ्तगु हुई और रब्बुल इज्जत ने कहा देखा जान यूं निसार करते हैं, कोई है मलक तुम में जो दूसरे मलक पर अपनी जान कुर्बान कर दे। उधर गर्दनें झुकी हुई थी, इधर भाई भाई पर जान निसार करने के लिए अपनी जिंदगी को हथेली पर लिए हुए था कि आयत आई वमिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु जाने करा में। अब कुछ आप समझ गए, दो मकाम, एक तो ये कि ये हिजरत की रात बिस्तर और आयत वहीं मौजूद सूरह बा, और एक आयत के लिए इंतजार किया गया कि एक ऐसा सूरह आए कि जिस सूरे में आयतें दे के भेजी जाए फिर वापिस मंगवाया जाए। सूरह बरा आखिरी सूरे, तो जाहिर है कि हम एहतराम की मंजिल पर किसी से कम नहीं है, हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी मंजिल पर किसी के लिए बेहतरामी हो, हर एक का एक मकाम है। मगर हिजरत की रात बिस्तर पर सोना कुछ ऐसा आसान नहीं था, निकलना आसान था और इसलिए आसान था कि रसूल सा मुहाफिज साथ था, यकीन था कि दिन मुकम्मल होने वाला है, नेमतें इत्माम पे पहुंचने वाली हैं, रसूल को गजन नहीं पहुंचेगा और यहां तन्हा थे, यहां तन्हा थे, अचानक जाने वाले को फिक्र थी क्या मजाल है, क्या कोई फिक्र की परवाज जा सकती है उस मकाम पर, कभी कहीं कहा हाय क्या गुजर रही होगी, मेरा भाई क्या कर रहा होगा, उस पे क्या गुजर रही हो, कुछ वो मुतमईन, वो मुतमईन ऐसा मालूम हो रहा था, मालूम हो रहा था कि दो रविंदा चुअख्तरे गर्दूं, दो सितारे थे जो अपनी अपनी चाल पकड़ रहे सिनाई है, हकीम सिनाई 525 हिजरी जिनकी वफात, उन्होंने कहा है सिनाई ये कुव्वत ईमा मद हैदर बगू पसल उस्मान, हजरत उस्मान की मदा हो चुकी अब अली की मदा कर, है सिनाई ये कुव्वत ईमा मद हैदर बगू पसल उस्मान, अस सनाइश अस मदाइश अस मदीहश मदाएह मुतलक, अजमतीहश मदाएह मुतलक जहकल बातिल सुजाल, अजमतीहश मदाएह मुतलक जहकल बातिल सुजाल, दो बिरादर जो मूसियो हारून, दो रविंदा तरे गर्दूं, हर दो एक दुर जे एक सदफ बूदन, हर दो पैरा ए शरफ बूदन,
एक ही मोती एक ही सदफ, हर दो एक दुर एक सदफ बूदन, हर दो पैराए शरफ बूदन। और आखिरी शहर मैंने बार बार आपको समझाया कि पैगंबर में आखिर में दो हर्फ हैं बर, उसके माना है फल बर। हैदर में आखिर के दो हर्फ हैं दर, उसके माने हैं दरवाजा। तो सिनाई ही का हक है, कहते हैं तानबुकशात इल्म है दर दर, तानबुकशात इल्म है दर दर, न देहत सुन्नत पैगंबर बर। इल्म है दर दर, नदेहत सुन्नत पैगंबर बर, फल नहीं देती ये सुन्नत। तो अब आप समझ गए कि इतना इत्मीनान है अल्लाह के बंदों को उन इंसानों पर जिनका सिन अभी 19 साल का है, 19 साल का सिन है, ऐसा काम लिया जैसे बड़े आजमाए हुए, ऐसा काम लिया जैसे बार बार तजर्बा कर चुके हैं, ऐसी जिम्मेदारी दी कि जिसके मुतालिक यकीन है कि बस यकीन हो, यकीन हो। जाहिर है कि रोजे के आलम में तो आप हजरात शेर नहीं सुनते, और मीर तकी मीर का एक शेर गजल का अच्छा मालूम हुआ इस मंजिल पर कि कितना यकीन होता है। नशाना बाज ऐसे हैं कदर अंदाज इतने हैं, नशाना बाज ऐसे हैं कदर अंदाज इतने हैं, इधर चुटकी से छोड़ा तीर मुट्ठी से कमा रहे। इत्मीनान, नशाना बाज ऐसे कदर अंदाज इतने, इधर चुटकी से छोड़ा तीर मुट्ठी से कमान रख दी, ये कह के चले सो जाओ, बस उम्मत का काम संवर गया। अब आपने जिन मसाइल पे गौर किया होगा तारीख के एतबार से, वो ये कि मक्का पूरा खाली हो चुका था, तसव्वुर घर को छोड़ने का कोई नया नहीं था, आयतें नाजिल हो चुकी थी कि क्यों नहीं छोड़ते, क्यों नहीं जाते। लोग हबशे से आ चुके थे, नमाज जुमा मदीने में शुरू हो चुकी थी, अंसार मदद कर रहे थे, साथी सब जा चुके थे। तो जाने वाले के लिए हमको इस कदर गौर और फिक्र की जरूरत नहीं है, वो रात गुजारने वाले के मालिक। अब गुफ्तगू फिर मैंने आपको मौका दिया है सोचने का कि इस घराने में यह सिनो साल कुछ अजीब मंजिलत रखता है, कुछ अजीब मंजिलत रखता है। अली का पोता फिर अली, अठारह बरस का सिन, अली अकबर, अली अकबर। क्या इत्मीनान कल्ब है, क्या इत्मीनान दिल है। मैं इन मनाजिल को नहीं भूलूंगा। ये अली अकबर को सिर्फ एक डर था, वो डर यही था कि फूफी जाने नहीं देंगे, फूफी जाने नहीं दें। अकबर के दिल को अगर ख्याल तो इस मकाम पे अदब है और अदब से वाकिफ होना जरूरी है। और साल आइंदा यूं भी आप मीर अनीस का 100 साला यादगार जश्न मनाएंगे, 100 बरस हो जाते हैं उनको,
1291 हिजरी में उनकी वफ़ात है, 1391 में उनके 100 बरस हो जाएंगे। तो मीर अनीस एक नक्शा खींचते हैं कि हुसैन इब्ने अली खेमे में बैठे हुए थे, बहन से बातें कर रहे थे, अली अकबर करीब थे, एक मरतबा आवाज आई, हल मिन मुबारिज़ीन, कोई है लश्कर हुसैन में निकलने वाला। हुसैन इब्ने अली खड़े हो गए। तो मीर अनीस कहते हैं अकबर फूफी को देख के बोले कि हाय गजब, ये मकामात देखिए और मीर अनीस का अदब देखिए। अकबर फूफी को देख के बोले कि हाय गजब, लो आफत आई, रन को चले शाह तशना लाफ तोड़े, सरों को खोले हुए अहले बैत सब बानो गिरी तड़प के कदम पर बसताब, बेटे ने हाथ थामे शहे करबलाई के, जैनब ने सर लगा दिया सीने से भाई। ये मंजर देखिए, बेटे ने हाथ थामे शहे करबलाई के, जैनब सर लगा दिया सीने से भाई के, शाने पर रख के मुंह को पुकारे शहे जमान, अम्मा की तुमसे बू मुझे आती है। ये मकामात देखिए, शाने पर मुंह को रख के पुकारे शहे जमान, अम्मा की तुमसे बू मुझे आती है बहन। बोलिए हाथ जोड़ के बानो कस्तान, आका अभी तो जिंदा है अकबर से सब शिकार, दुख दर्द में पिदर के पिसर काम आते हैं, आप इनके होते किस लिए मैदान में जाते हैं। आप इनके होते किस लिए मैदान में जाते हैं। शहने कहा नहीं, मुझे इसका नहीं ख्याल है, तुमको हाजरा की तरह सबर में कमाल, अपने चमन को देख के होते हैं सब निहाल, खुद चाहता हूं मैं कि ये गुल हो ना पाए माल, खुद चाहता हूं मैं कि ये गुल हो ना पाए माल। वजह बतलाई मीर अनीस ने, शादी के दिन है, शादी के दिन है, आस गरीब उल वतन की है। खुद चाहता हूं मैं कि ये गुल हो ना पाए माल, शादी के दिन है, आस गरीब उल वतन की। सदमा बड़ा ये है कि रियाजत बहन की। देखिए जिस बात का अली अकबर को डर था उसी मंजिल पर हुसैन ने पहुंचा दिया। सदमा बड़ा यह है कि रियाजत बहन के, बोली वो अंदली बे चमन पर भरे बुतूल, तुर्रा वही है सब पर महे सर चढ़े जो फूल, आए नकले बागे फैजो गुले गुलशने रसूल, दागे गुले रियाज तमन्ना बदिल कबूल। दागे गुले रियाज तमन्ना बदिल कबूल, शादी सदा नहीं जमाने रोजगार में, रोए खिजा में वो जो हंसा हो बहा। शादी सदा नहीं, फूफी ने इजाजत दे दी। अली अकबर गए, गुज़िश्ता पंचशंबे को कह रहा था, गए वापस आए, बाप से इजाजत ली, फिर गए, फिर नहीं आए, फिर बाप गया, बाप गया, अली अकबर के इत्मीनान का क्या कहना, अली का पोता है, 19वां साल शब हिजरत, 18वां साल करबला का मक्तल, अब यहां से सुनिए, बाप आया तो
मद्दाह ने कहा, अजीब शेर कह दिया कि पिदर की कुव्वते बर्दाश्त का था ध्यान अकबर को, दमे मुर्दन जो ली थी हिचकियां आहिस्ता। याद रखेंगे आप ये, पिदर की कुव्वते बर्दाश्त का था ध्यान अकबर को, दमे मुर्दान जो ली थी हिचकियां आहिस्ता आहिस्ता। अली अकबर के सर को बुलंद किया, वजा खद्दहु अला खद्दही, बेटे के रुखसार पे बाप ने अपना रुखसार रखा और दूर से जंगल से आवाज आई, पालने वाली आई, ज़ैनब आई, अली अकबर खुपी आई। एक मर्तबा सूरह हम और तीन मर्तबा सूरह इखलास। मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे अनुवाद को बख्श दे, हमारे जिंदों पर रहम फरमा, हमको ईमान की दौलत से माला माल करो।